हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और दिन है आज ये फ्राइडे का और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मतलब तिल के लड्डू की तैयारी तो गर्विस हो रही थी तो इस वजह से है ना मैं थोड़ा नीचे नहीं गई तो मैं लड्डू के लिए ना गुड़ और तिल को ना यहीं पर वेट कर रही थी वेट मशीन पर चढ़ कर क्योंकि ये ना थोड़े से तिल और लड्डू वेट मशीन पर होते नहीं है वेट करके तो मैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए बस खुद का मैंने वेट किया उसके बाद मैं इनको लेके खड़े होकर थोड़ा सा आइडिया ले रही थी बस उतना मैं वेट कर ले रही थी कि आइडिया लग जाएगा तो यहाँ पर गुड़ और तिल को ले रही थी तो यहाँ पर मैंने पाँच सौ ग्राम के आसपास है ना तिल लिया है तिल तो मैंने धो के साफ करके रख रखा था धो लिया था पहले ही तिल मैं घर से लेके आई थी तिली तो वो मैंने है ना धो के सुखा के डब्बे में भर के रख ली थी तो अभी डायरेक्ट बस मुझे लड्डू ही बनाने हैं तो यहाँ पर मैंने गुड़ भी पाँच सौ ग्राम से थोड़ा सा मैंने कम लिया है पचास साठ ग्राम कम होगा तो उतना मैंने कम लिया क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है तो इत, इस तरह से ही मैंने कुछ जुगाड़ू करके नहीं अपना काम कर लिया आइडिया था थोड़ा ले लिया तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में मैं सूखा ही तिल को भून लूँगी कुछ ऑयल ऑयल या घी वगैरह कुछ नहीं डाला है सूखा मैं इनको भून लूँगी और ना इतना मतलब कि ये थोड़ा गर्म हो जाए और थोड़ा सा फूल जाए तिल थोड़ा फूल जाता है गर्म होने के बाद हल्का सा तो उतना मैं इसको है न भून लूँगी ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि ये कड़वे हो जाते हैं ज़्यादा भूनने से फिर लड्डू कड़वे लगते हैं तो मैं ज़्यादा इसको नहीं भूनूंगी हर बार मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और मैं चाशनी वाले नहीं बनाऊंगी क्योंकि चाशनी वाले कई बार क्या होता है टाइट भी हो जाते हैं तो है ना फिर वो ये मुझे किसी को देने होते हैं पूजा करने के बाद ये मैं ना दे दूसरों को ही देती हूँ तो अच्छा नहीं लगता जब ख़राब हो जाते हैं तो और यहाँ पर तो वैसे मैं किसको देती हूँ बट ज़्यादातर ये मैं इनके ऑफिस में ही लड्डू है ना सारे भेज देती हूँ तो ऑफ़िस में ही इस बार भेजूँगी पूजा करने के बाद सारे पूजा में मैं चौदह लड्डू ही रखती हूँ तो वो मैं ऑफ़िस में भेज दूँगी कुछ एक्स्ट्रा मैं भेज दूँगी क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा लोग होते हैं तो यहाँ पर तिल गर्म हो गया था उसको ठंडा करने रख दिया था और ये मैं गुड़ को थोड़ा सा ग्रेट कर ले रही हूँ ये जो सबसे मोटा वाला होता है ना इसमें ग्रेटर में ग्रे ग्रे इसमें तो ना सबसे मोटे वाले से कर ले रही हूँ क्योंकि मिक्सी में फिर है ना पीसने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता डायरेक्ट गुड़ को पीसते हैं ना तो थोड़ा मिक्सी चलती नहीं है वो नीचे से जाम हो जाती है चिपक जाता है गुड़ उसमें और इस तरह से करते हैं ना तो ये तिल में आराम से मिक्स हो जाता है और आराम से बहुत जल्दी से पीस जाता है दिक्कत नहीं होती दो मिनट भी नहीं लगते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर पाँच दस मिनट की ये मेहनत होती है इसको ग्रेड करके बना लो ना तो ज़्यादा बढ़िया नहीं तो फिर मिक्सी ख़राब होने का भी डर रहता है और है ना बहुत टाइम भी लग जाता है उसमें तो एक दो बार से मैं ऐसे ही कर रही हूँ शुरू शुरू जब मैंने स्टार्ट किए थे ये बनाना मतलब फर्स्ट मेरी जब संक्रांति तो मैं डायरेक्ट मैंने बनाए थे तो मेरी मिक्सी का पॉट भी ख़राब हो गया था उसके बाद से मैं ऐसे करने लग गई थी तो यहाँ पर देखिए ये ठंडा हो गया था और मैंने गुड़ को भी ग्रेट कर लिया था इसके बाद ये मैं थोड़ा सा तिल है जिसको हल्का सा मैं ग्राइंड कर लूँगी बहुत हल्का सा बहुत मोटा नहीं करूँगी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी सिर्फ एक दो सेकंड के लिए मैं इसको ना ग्रेट कर लूँगी और ये जूसर मैंने यहाँ फिक्स किया हुआ है इसमें क्योंकि ग्रेवी तो मैं बहुत कम बनाती हूँ कभी बनाती हूँ तो हटा लेती हूँ पॉट को लेकिन जूसर मेरा डेली काम होता है तो जूसर मैं आजकल यहाँ लगा के ही रखती हूँ तो इस तरह से देखिए एक सेकेंड के लिए बस मैंने इसको मतलब पीस लिया है और इसको अब मिक्स कर दूंगी यहाँ पर और गुड़ भी मैंने ग्रेट कर लिया है तो अब गुड़ और ये जो मैंने तिली को पीसा है ना इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके और मिक्स करके बनाऊंगी क्योंकि छोटा वा छोटा है एक तिली ज़्यादा है और गुड़ भी है तो ज़्यादा आएगा नहीं तो इस तरह से ये थोड़ा सा और ऊपर ऊपर रह गया था मोटा मोटा तो उसको मैंने एक बार यहाँ पर चला दिया है क्योंकि अगर मैं पूरा एक साथ पीसती तो नीचे वाला बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है इसलिए मैंने ऊपर ऊपर का जो था निकाल दिया फिर एक बार और पीस दिया तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर गुड़ डालूंगी इसमें और थोड़ा सा तेली यहाँ पर साथ में डाल दूंगी क्योंकि एक साथ तो पूरा नहीं आएगा इसमें पॉट में तो दो तीन बार में डालना पड़ेगा तो ये इस तरह से दोनों को फिर से मैं चला लूँगी तो आपस में ना दोनों मिक्स हो जाएंगे अच्छे से तो फिर लड्डू बनाने में दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ इसको मैंने एक दो तीन मिनट मतलब दो या ढाई मिनट के लिए मैंने इसको बस इतना ही चलाया है दोनों आपस में मिक्स हो गए क्योंकि गुड़ गुड़ ग्रेट कर लिया ना तो दिक्कत नहीं होती तो देखिए कितने अच्छे से दोनों मिक्स हो गए हैं और इसको मैं एक परात में निकाल लूँगी सारे को इस तरह से बना के लड्डू बनाने में दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पर वैसे तो मेरा था कि मैं चौदह तारीख के लिए मतलब फोर्टीन तारीख के लिए मैं संक्रांति की तैयारी कर रही थी लेकिन मैंने ये सारी तैयारी जब कर ली थी लड्डू वड्डू बन गए थे तब शाम को घर से मतलब पता चला मैसेज आया कि पंद्रह तारीख को इस बार संक्रांति होगी पूजा पंद्रह तारीख को होगी तो मैं इस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं है मुझे शाम तक ये करना है क्योंकि कल सुबह पूजा करनी है लेकिन फिर एक दिन का गैप लग गया पंद्रह तारीख़ की संक्रांति है तो ये मैंने दो दिन पहले ही मेरे लड्डू बन गए तो इस तरह से देखिए तीन राउंड में ये पूरे हो जाएंगे आधा किलो मैंने तिल लिया था और आधा किलो से पचास ग्राम का यानी कि साढ़े चार सौ ग्राम मैंने गुड़ लिया था और इसके काफ़ी सारे लड्डू बन जाएंगे पूजा के लिए भी हो जाएंगे और एक्स्ट्रा इनके घर में खाने के लिए भी हो जाएंगे क्योंकि पूजा वाले लड्डू में घर में खाने के लिए नहीं देती हूँ वो जैसे खुद के हाथ से करपे हुए लड्डू खुद के बच्चे या हस्बैंड को नहीं देते हैं तो वो किसी और को ही देने होते हैं तो वो इनको खाने को नहीं मिलते हैं तो मैं एक्स्ट्रा अलग से बना देती हूँ घर के में खाने के लिए तो आराम से इतने घर के लिए भी हो जाएंगे और पूजा के लिए भी आराम से हो जाएंगे तिल और गुड़ तो मेरे पास और भी रखा है लेकिन मैं आलस भी कर गई थी इतने सारा बनाने का और फिर ये था कि कौन खाएगा और क्योंकि हमें भी जाना है घर तो इस वजह से ना मैंने ज़्यादा कुछ ज़्यादा बनाया नहीं इतना ही कि तीन चार दिन में ख़त्म हो जाए और ये यहाँ पर देखिए पूरा इस तरह से तैयार हो गया मैंने लास्ट वाले में न थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया था कूट के तो इलायची का थोड़ा लड्डू में टेस्ट हो जाएगा और अब मैं इसको पूरे को हाथ से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर ले ली हूँ यहाँ पर तो बस यहाँ पर और कुछ नहीं करना है अब इनका मैं लड्डू बांध दूँगी फटाफट से तो ये लड्डू है ना सॉफ्ट भी रहते हैं और अच्छे भी काफ़ी लगते हैं और ज़्यादा मैं चाशनी वासनी वाला झंझट नहीं करती हूँ ये काफ़ी अच्छे लगते हैं नरम नरम लड्डू रहते हैं मैं हर साल है ना इसी तरह से तिल के लड्डू बनाती हूँ और ऑफिस में भेज देती हूँ और इनको भी ये पसंद है और ये मेरी बेटी भी खा लेती है गारवी को भी पसंद है ये वाले लड्डू तो ये भी खा लेती है तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लड्डू पहले मैं पूजा के लिए बना लूँगी क्योंकि फिर ये झूठे कर देते हैं तो पूजा के लिए मैं अलग से लड्डू बना के नहीं और फिर इस डब्बे को मैं अलग रख दूँगी बाकी जो बच्चे होगा वो सब ये आज से ही खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आज खा लेंगे आएंगे शाम को इसके पापा तो और गारवी भी खा लेगी बस पूजा के मैं अलग लगा के रख देती हूँ तो यहाँ पर मैं बांधने लगी हूँ अभी लड्डू और लड्डू बांधने में थोड़ा सा मतलब आधा घंटा तो लग ही गया था मुझे धीरे धीरे करके नहीं काफ़ी सारे भी हो गए थे और बांधने में टाइम तो लगता ही अकेली भी थी तो मतलब इतना काम करने में मुझे डेढ़ से दो घंटा लग गया तोलना करना और फिर गुड ग्रेट करना पीसना करना तो डेढ़ दो घंटे मेरे लड्डू में चले गए और ये काम मैं दिन में ही कर लिया था तो अब शाम के टाइम फिर खाने का टाइम हो जाता है इसलिए फिर वो रह ही जाता है थक जाते हैं तो फिर रह जाता और ये पूजा के लिए जरूरी है मैं रखती भी हूँ ये पूजा के लिए तो यहाँ पर अब मैं ये पूजा के सामान की तैयारी भी कर ले रही हूँ शाम का टाइम हो गया था तो गार्वी को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और उसके बाद मैं यहाँ करने लगी तो यहाँ पर मैं हर साल है ना चौदह आइटम मैं ना पूजा में रखने के लिए लेती हूँ करपती हूँ जैसे मैं दशहरा पे दस आइटम लेती हूँ वैसे तो फिर वो पूजा करके वही लेडीज़ों को है ना मैं दे देती हूँ ये तो इस बार मैं जब अभी घर गई थी सगाई के लिए तो मैं वहाँ से मम्मी ने ना मुझे कड़े रख दिए थे जो लाख के चूड़े होते हैं ना वो रख दिए थे क्योंकि शादी है ना तो मैं घर जाऊँगी तो इस बार वहाँ पर ही ले जाऊँगी क्योंकि सारे लोग आएंगे मतलब घर में बहन बेटी जो होती हैं शादी में तो सब आएंगे तो उस टाइम मैं सबको वहाँ पर दे दूंगी वैसे तो कुछ काम नहीं होता हर हर बार ऐसा ही होता है ना किसी को इधर उधर ही देते लेकिन इस बार कुछ दिन बाद ही शादी है तो शादी में तो जाना ही है इसलिए मैं कड़े भी घर भी गई थी इस बार संक्रांति से पहले तो मेरे को घर से ही मम्मी ने है ना कड़े रख दिए थे वहाँ से गाँव से ही तो मैं वही पूजा में रख लूंगी और पूजा का सामान तो मैं ये जो करपने वाला श्रृंगार का सामान है वो मैं इकट्टा ला रखी तो वही मैं है ना सारी चीज़ें देख रही हूँ चूड़ा वगैरह जो ये सब पूजा करके करप के ये सब मैं मम्मी को देती हूँ और ये जो चौदह आइटम करपते हैं ना वो हम लेडीजों को बांट देते हैं तो ये सब गाँव में ले जाके बांट देंगे और ये वाला जो पूजा का चूड़े वगैरह है वो मम्मी को दे दूंगी वहां पर ले जाऊंगी अभी जब जाऊंगी तब तो ये सब मैं ना अभी इकट्ठा करके रख दे रही हूँ क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है फिर सुबह ये भी रहता है ना कोई चीज घट रही है तो अभी मार्केट से भी मैं ले आऊंगी जैसे मेहंदी की कॉर्न वगैरह है मैं हमेशा अपने पास नहीं रखती हूँ क्योंकि खराब हो जाती है तो जब पूजा होती है तभी मैं तुरंत से एक या दो ले आती हूँ तो वही मैं चीज़ें देख रही थी और गिन के भी मैं रख लेती हूँ कितनी चीज़ें हुई हैं तो यहाँ पर ही सारा सामान मैंने निकाल लिया है मेहंदी की कॉर्न वगैरह भी इस बार घर पे रखी थी तो मार्केट से मुझे कुछ भी लेके नहीं आना था और साथ में मकर संक्रांति पे हम एक बर्तन लेते हैं तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं है कि मैं बर्तन कुछ भी जो चीज़ है ना मतलब वहाँ गांव में होती नहीं है ना मम्मी के पास मैं वो चीज़ हमेशा लेती हूँ संक्रांति पर जो घर पर काम आ जाए तो वहाँ पर है ना ये ब्लैंडर नहीं था तो वहाँ दिक्कत होती है मम्मी मिक्सी में ही घी निकालती है और हम लोग भी जाते हैं ना तो हमें भी आलस आता है क्योंकि हमें आदत नहीं है ना मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है यहाँ पर मैं ब्लाइंडर से काम करती हूँ तो इस बार मैंने ये ब्लाइंडर मंगा लिया कि मेरा मेरे पास जो ब्लाइंडर है ना वही मैंने सेम रिपीट करके मंगा लिया क्योंकि मेरा वाला अच्छा है अच्छा चलता है तो वही पीस मैंने एक और मंगा लिया तो ये मम्मी के काम आ जाएगा मम्मी मिक्सी में घील निकालने लगी रहती है वो पूरे इतने सारे बर्तन हो जाते हैं और इससे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है दही वगैरह रायता वगैरह बनाने के लिए भी ठीक है तो इस वजह से इस बार मैंने ये मंगा लिया तो मैं ऐसी ही चीज़ें ज़्यादातर मकर संक्रांति पर मंगाती हूँ जो वहाँ पर नहीं है तो हम लोग भी जब जाते हैं ना तो हमें भी दिक्कत नहीं होती है ये सब चीज़ें तो ये, ये यूज़फुल चीज़ भी है इसलिए मैंने ये मंगा लिया और फिर ये मैं शाम को करने लगी थी खाने की तैयारी तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ बड़ी जिसे मंगोड़ी भी बोलते हैं कई लोग बड़ी भी बोलते हैं जो भी है तो ये थोड़ी सी बची थी बस खत्म हो गई है अब मैं घर जाऊँगी ना तब मैं शादी के लिए मंगोड़ी तो बनेगी ही तो मैं अपने लिए भी एक्स्ट्रा है ना बनावा लूँगी वहाँ पर क्योंकि यहाँ भी बना सकती हूँ लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पक्षी छोड़ते नहीं है ऊपर छत पर और इतनी देर में छत पे सारा दिन तो रह नहीं सकती तो घर जाऊँगी तब मैं ले आऊँगी अभी ये लास्ट था थोड़ा सा बस आज का तो मैं कहा चलो मैं इसको बना देती हूँ डब्बा साफ़ कर देती हूँ अभी मैं जब घर जाऊंगी तो और ले आऊंगी तो यहाँ पर ये मैं मंगोड़ी बना रही हूँ इसको मैंने कूट लिया था सब बिल्कुल पतला पतला और है ना फिर उसके बाद मैंने इसको घी में भून लिया है और पानी डाल के बस मैं इसमें हल्दी नमक धनिया वगैरह अभी नॉर्मल जो मसाले है वही डालूंगी मिर्ची बाद में डाल दूंगी गारभी को निकालने के बाद तो इसमें अच्छे से मैं पाँच छः सीटी लगा लूँगी क्योंकि है ना जल्दी से पकती नहीं है ये मूँगबड़ी थोड़ी टाइट रह जाती है तो मैं पाँच छः सीटी लगाती हूँ ना तो अच्छे से ये सेट हो जाती है सब्जी तो मैं इस तरह से इसको सिंपल ही बनाती हूँ हींग जीरे का छोंक दे तो इसमें मैंने देखो थोड़ी सी हींग और डाल दिए पहले मैं भूल गई थी तो फिर मुझे याद आया फिर मैंने पहले हींग डाली उसके बाद अभी मैं ढक्कन बंद करूँगी तो हींग की खुशबू सब्जी में बहुत अच्छे से आती है और यहाँ पर ये यह आ गए थे तो शाम को करने लग गई थी फिर खाने की तैयारी सब्ज़ी बन गई थी थोड़ा सा मैं सब्जी को बॉईल कर रही थी और इधर मैं फटाफट से अभी सेक लूँगी गर्मा गर्म, गर्म रोटियाँ और साथ में ही खा लेंगे मैं सेक के रख ले रही हूँ क्योंकि ये जस्ट अभी आए हैं पूजा वगैरह कर रहे हैं तो तब तक मैंने कहा मैं सारी पाँच छः तो रोटियाँ सेकनी होती है तो मैंने कहा वो सेक लेती हूँ साथ में ही तीनों चार लोग खा लेंगे तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और मकर संक्रांति की मेरी अभी तैयारी हो गई थी पूरी कम्पलीटली सारा सामान मैंने इकट्ठा भी कर लिया था और बस है ना जब मैंने शाम को अभी मैसेज आया था घर से दीदी दी का मतलब मैंने अंत का कि पंद्रह को मनाएंगे क्योंकि मुझे नहीं पता रहता है इतना कुछ यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग तो करते नहीं हैं वहाँ से पता चल जाता है तो रहता है कि हाँ तो नहीं तो मैं कल ही करने वाली थी यानी कि सैटरडे को करने वाली थी लेकिन अब मैं संडे को पूजा करूंगी तो तैयारी करके रख दी है ठीक है अभी सब फ्री हो गई हूँ मतलब सारा सामान मैंने मंगा लिया है और ये इधर रोटियाँ भी बन गई हैं डिनर भी अभी रेडी हो गया है तो सारी रोटियाँ सीख ली हैं और अब स्लैब वगैरह को मैं साफ़ कर दूँगी और अभी बस खाना मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो साथ में मैं खाने में पापड़ वगैरह साथ में ले लूँगी क्योंकि चटनी वगैरह कुछ है नहीं ओनली बड़ी मूँगबड़ी की सब्जी है तो यहाँ देखिए लिए निकाल के सब्जी में मैंने डाल दिया है मिर्ची पाउडर और इधर मैं सेक लूँगी दो तीन पापड़ खाने के लिए क्योंकि रोटी गार भी कई बार क्या होता है सब्जी से नहीं खाती है ना तो पापड़ वगैरह होते हैं तो पापड़ से रोटी खा लेती है तो ये सब मैं साथ में सेक लूँगी और है ना इनको भी पसंद है पापड़ तो मूँगबड़ी हो जाएगी पापड़ हो जाएंगे और साथ में मैं है ना थोड़ा सा एक प्याज काट लूँगी खीरा वगैरह तो ना क्या मैं इनको टिफिन में रख देती हूँ आजकल तो मैं खीरा फिर शाम को नहीं काटती क्योंकि दोनों टाइम हालांकि अच्छा रहता है लेकिन वो भी जाते हैं मैं सुबह टिफिन में ज़्यादातर इनको खीरा रख देती हूँ तो इसलिए मैं नहीं काटती हूँ शाम को सिर्फ मैं ओनली प्याज एक काट लेती हूँ तो मुझे प्याज वैसे भी बहुत पसंद है खाने के साथ शाम के खाने में मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है सब्जी के साथ कोई भी सब्जी लेकिन कटा हुआ सलाद में प्याज होना तो रोटी सब्जी बढ़िया लगती है तो मैं ज़्यादातर रेगुलर प्याज काट ही लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए खाना हो गया है रेडी प्याज काट लिया है पापड़ हो गए हैं और सब्जी रेडी है रोटी बना ली है तो अब बस नीचे बैठ के तीनों लोग खाना खाएंगे तो यहाँ पर हो गई है खाने की तैयारी और आप लोग भी आ जाइए आपको खाना है तो वैसे तो सिंपल ही खाना बनाया है मैंने आज तो, तो आप लोग भी खा जाइए और इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ और नई वीडियो अभी मकर संक्रांति वाला ही आएगा कि किस तरह से हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो वही मैं आपको बताऊँगी किस तरह से करते हैं तो चलिए यहाँ पर अभी मैं इसका एंड कर देती हूँ मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर